एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप से कैसे इंटरनेट बैंकिंग को अनेबल किया जाता है, आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने मोबाइल फ़ोन में एक्सिस बैंक के ऐप को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना एम पिन डालना होगा, जो भी आपका एम पिन उसे डाल दीजिए। आप लेफ्ट में कॉर्नर पे सब टॉप में क्लिक करेंगे, सर्विसेज एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर सर्विसेज जो लिखा हुआ है आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको डेबिट कार्ड दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। मैनेज यूजेस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़े देर बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देखेंगे एटीएम विड्रॉल लिमिट, ये आपका एटीएम से पैसे निकालने का लिमिट दिखा रहा है। आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर एटीएम खो जाता है तो आप यहाँ से उसे बंद कर सकते हैं। ई कॉमर्स लिमिट, यानी जैसे आप जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सब पे चीज़ों खरीदते हैं, उन सब का है ये। पी ओ एस लिमिट, ये है जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं या फिर दुकान पर आजकल पेमेंट करते हैं फ़ोन से, उन सब का लिमिट दिखाता है। तो जैसे ही आप इसको आगे करेंगे, आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको अपना पिन डालना होगा, एम पिन जो आपने शुरू में लॉगिन करते समय डाला था। आप यहाँ पे अपना एम पिन डाल देंगे। जैसे आप अपना एम पिन डालेंगे, करेक्ट एम पिन आप जैसे भी अपना डालेंगे, यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होते ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आपको नोटिफिकेशन आ गया, यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी कि ये डन हो चुका। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।